हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ आरती छावड़ी। क्रैश कोर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये है एपिसोड 2, जिसमें हम ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस जो एपिसोड रहा, उसमें हमने यूरोपियंस को धीरे धीरे करके व्यापारियों के तौर पर भारत आते हुए देखा। उन्होंने अलग अलग जगहों पर फैलाव किया, अपने आप को धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश किया, और उन्हीं में हमने अंग्रेज़ों के बारे में भी बात की, ब्रिटिशर्स के बारे में भी बात की कि कैसे वो 1600 एनो डोमिनी में ब्रिटेन की रानी से परमिशन लेकर भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे करके मुसलीपट्टनम, सूरत, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल वाले इलाके में अपना फैलाव करते हैं। आज भी हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे करके एक्सपेंड होते हुए देखेंगे, व्यापारियों के तौर पर ही नहीं बल्कि अब ये भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके भारत के जो राजा थे उनके दरबारों में अपनी जगह बनानी शुरू की। तो आइए एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में हम 1700 एनो डोमिनी से 1800 एनो डोमिनी के बीच आए काफ़ी सारे बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस हिस्से को समझने के लिए मुग़ल सल्तनत को समझना ज़रूरी है। मुग़ल सल्तनत काफ़ी स्ट्रांग रही, काफ़ी मजबूत रही औरंगज़ेब के पीरियड तक, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु होने के बाद मुग़ल सल्तनत धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगती है। जिस समय औरंगज़ेब मुग़ल सल्तनत के राजा थे, उस समय में ही बंगाल वाले रीजन में यहाँ अंग्रेज़ों ने काफ़ी फैलाव किया। बल्कि औरंगज़ेब के रहते रहते ही अंग्रेज़ों को बंगाल के इलाके में ज़मींदारी राइट्स भी मिले, यानी कि वो एक ज़मींदार के तौर पर भी उस इलाके में सर्विसेज दे सकते थे। और ये थे 3 गाँव, सुतनाती, गोविंदपुर और कलिकत। कलिकत वही कलिकत जो आके चलकर कलकत्ता बना। तो इस तरीके से ज़मींदारी राइट्स ही नहीं बल्कि कलकत्ता वाले इलाके में आप 1702 में एक फोर्ट भी बनते हुए देखेंगे अंग्रेज़ों का, जो कि फोर्ट विलियम्स कहलाया, जो उन्होंने ये कहकर बनाया कि यहाँ के आसपास के टैक्स कलेक्टर्स उन्हें बहुत परेशान करते हैं और उनके सामान को जलाने की भी धमकी देते हैं, और इसी वजह से किला बनाना ज़रूरी है ताकि उनके सामान को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये जो फोर्ट है आप यहाँ पे कलकत्ता में बनते हुए देखेंगे 1702 में। ये सारी चीज़ें औरंगज़ेब के समय में ही हो रही थी। औरंगज़ेब इन सब चीज़ों में साथ दे रहे थे क्योंकि वो भी जानते थे कि ये व्यापारी उनके किंगडम के लिए, उनके स्प्रेड के लिए, उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए और उनके किंगडम की जनता के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही व्यापारी आम जनता के सामान को ख़रीदा करते थे और ब्रिटेन में ले जाकर बेचा करते थे। लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके आप मुग़ल सल्तनत को टूटते हुए देखेंगे। बल्कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उन्हीं के कोर्ट के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने राजा बनने की कोशिश की, पर ऐसा वो नहीं कर पाए क्योंकि मुग़ल सल्तनत अपने आप में यूनिटी का सिंबल मानी जाती थी और मुग़ल सल्तनत के ही राजा यहाँ राजगद्दी पर बैठे, ऐसा ही जनता चाहती थी। तो अगर मैं राजा हूँ और मेरे मिनिस्टर्स जो हैं वो मेरी पोस्ट पर बैठने की कोशिश करेंगे तो आम जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है मुग़ल सल्तनत पर राज करने का? ना तो राजगद्दी पर बैठना पड़े और सारी की सारी पावर्स भी हाथ में आ जाएं। वो तरीका है पपेट रूलर का। तो यहाँ बहुत से मिनिस्टर्स ने ऐसे राजाओं को मुग़ल सल्तनत की राजगद्दी पर बैठाया जो कि पपेट की तरह काम करते थे। उन्हें उस सल्तनत के अंदरूनी और बाहरी अफेयर्स यानी कि कामकाज से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ राजगद्दी पर बैठते थे और सारा काम बाकी के मिनिस्टर्स ही संभाला करते थे। औरंगज़ेब के बाद आपको बहादुर शाह फर्स्ट, इसके साथ साथ जहानदार शाह, फरुख सियार जैसे राजा आते हुए देखने को मिलेंगे। ये सभी पपेट रूलर्स ही हुआ करते थे। 1717 में फरुख सियार नाम के मुग़ल सल्तनत के राजा ने एक फरमान जारी किया जो कि मैग्ना कार्टा भी कहलाता है, जिसके तहत इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ से
ट्रेड करने के पूरे पूरे राइट्स मिले बिना किसी टैक्स को दिए, यानी कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे। लेकिन एक चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने आपको कहा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे करके मुगल सल्तनत टूटने लगा था, हालांकि वो जो बिखरापन है वो दिखता नहीं है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हाँ, मुगल सल्तनत टूट चुका था। इसे समझने के लिए एक छोटे से एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए मुगल सल्तनत का राजा जो है वो दिल्ली पर बैठा रूल कर रहा है, लेकिन आसपास के अलग अलग इलाकों में, प्रोविंसीज में, कस्बों में, सूबों में जिन नवाबों को अपॉइंट किया गया है वो नवाब अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। मुगल सल्तनत के राजे को ये भी होश नहीं है कि यहाँ पे नवाब अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रोविंस को चला रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखा गया। बंगाल प्रोविंस, अवध, हैदराबाद जैसा रीजन जो मुगल सल्तनत में ही आता था, लेकिन वहाँ के नवाबों और निज़ाम्स ने अपने तरीके से उस इलाके को चलाना शुरू किया। इसी वजह से मुगल सल्तनत का राजा फर्रुख सियार जब ये फरमान जारी करता है कि अंग्रेज़ों को बंगाल से ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के राइट्स दिए जाते हैं, तब बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खान उन चीज़ों को मानने से इनकार कर देता है। फर्रुख सियार मुगल सल्तनत का राजा इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो मुर्शीद कुली खान को दबा सके। तो यानी कि मुगल सल्तनत का राजा धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और नवाब जो हैं, जो अलग अलग सूबों में अपॉइंट किए गए थे, वो काफ़ी हद तक एक तरह से मजबूत होते चले गए। तो ये अंदरूनी खोखलापन आपको मुगल सल्तनत में देखने को मिलेगा। हालांकि मुगल सल्तनत अभी भी उतना ही बड़ा साम्राज्य लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही हद तक अंदरूनी तौर पर टुकड़ों में टूट चुका था और मुगल सल्तनत के राजा की पोजीशन जो है वो भी धीरे धीरे गिरती चली जा रही थी। तो ये सभी चीज़ों का फायदा उठाते हुए ही अंग्रेज धीरे धीरे करके अलग अलग हिस्सों में अपना फैलाव करते हैं। मुर्शीद कुली खान के बाद अगले जो नवाब, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट नवाब जो बंगाल के रहे, वो थे अली वर्दी खान, जो कि 1740 तक नवाब रहे। उसके बाद एक नवाब आए जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की अगर बात की जाए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अगर आप देखते हैं, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाता था। बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हम इन्हें कह सकते हैं। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और ये बहुत ही जल्दी बिना सोचे समझे एक्शंस भी लेते हैं। इन्हें जब पता चला कि अंग्रेज़ धीरे धीरे करके फोर्ट विलियम्स के बाद यहाँ पे पूरे कलकत्ता को ही फोर्टिफाई करने लग गए हैं, यानी कि कलकत्ता के अंदर किला बनाना और पूरे कलकत्ता की किलेबंदी करना, दोनों में फ़र्क है। फोर्ट विलियम्स जो फोर्ट था, जो किला था, वो कलकत्ता के अंदर बनाया गया था, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके पूरे कलकत्ता की ही किलेबंदी करना शुरू कर दिया था। जब इसके बारे में सिराजुद्दौला को पता चला तो उन्होंने तय किया कि मैं इन्हें ज़रूर सबक सिखाऊंगा। और इसी के चलते आप यहाँ पे देखेंगे कि सिराजुद्दौला ने यहाँ पे पूरा का पूरा फोर्ट विलियम्स जो है उसको सीज कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। उस समय में, जिस समय में फोर्ट विलियम्स को कैप्चर किया गया, आप देखेंगे कि फोर्ट विलियम्स में 146 मर्चेंट्स, अंग्रेज़ व्यापारी यहाँ पे मौजूद थे और उनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई सफोकेशन की वजह से, और इस पर्टिकुलर ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। सिराजुद्दौला को लगा कि मैंने अंग्रेज़ों पर जीत हासिल कर ली, लेकिन इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की खबर पहुंची मद्रास, जहां पर हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था अंग्रेज़ों ने अपनी आर्मी को डिप्यूट किया हुआ था। वहां से एक शिप पूरी आर्मी, पूरे सिपाहियों को भरकर मद्रास से बंगाल की ओर बढ़ती है रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप के अंडर। रॉबर्ट क्लाइव मिलिट्री कमांडर थे और वो इस शिप में सिपाहियों को भरकर बंगाल की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि वो अब सिराजुद्दौला से लड़ना चाहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से। काफ़ी हद तक देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही शातिर व्यक्ति थे। रॉबर्ट क्लाइव ये समझ चुके थे कि अगर वाकई में बंगाल को और बंगाल के नवाब को हराना है, तो इनके किसी एक ऐसी चीज़ को, ऐसे
कमज़ोरी को ढूंढना पड़ेगा, कमज़ोर कड़ी को ढूंढना पड़ेगा जिसके ज़रिए इन्हें हराना आसान हो जाए। और वो कमज़ोर कड़ी थी मीर जाफ़र। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला की आर्मी के मिलिट्री कमांडर थे, जो कि बहुत लंबे समय से बंगाल के नवाब भी बनना चाहते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से हाथ मिलाया और मीर जाफ़र को कहा कि अगर तुम सिराजुद्दौला की आर्मी को हराने में मुझे मदद करोगे, अगर तुम इस युद्ध में किसी तरीके से भी बेहतर तरह से परफॉर्म नहीं करोगे, जो कि मैं सिराजुद्दौला के साथ लड़ने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि बंगाल का अगला नवाब तुम ही बनोगे। मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला की आर्मी का कैप्टन है, उसको रॉबर्ट क्लाइव ने खरीद लिया। और फिर युद्ध हुआ बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 में। मान लीजिए अगर आप सामने वाली टीम के कैप्टन को ही खरीद लेते हैं तो मैच तो फिक्स हो गया, यानी कि जीत तो तय है आपकी। तो कुछ ऐसा ही प्लासी के युद्ध में भी हुआ। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से ये युद्ध कभी लड़ा ही नहीं गया, क्योंकि इसकी जीत पहले से ही तय थी, अंग्रेज़ ही इसे जीतने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। तो यहाँ सिराजुद्दौला जो है उसकी हत्या कर दी गई और बंगाल का नया नवाब बना मीर जाफ़र, जो कि अंग्रेज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक पुतला था। मीर जाफ़र के दरबार में एक रेसिडेंट भी छोड़ा गया, एक एजेंट भी छोड़ा गया, जो कि सारा ध्यान रखेगा कि मीर जाफ़र हर एक स्टेप ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में ही ले। और उस एजेंट का नाम था विलियम हॉकिंस। और इस तरीके से रेसिडेंट सिस्टम की भी शुरुआत हुई। काफ़ी लंबे समय तक मीर जाफ़र ने एक तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी हर एक बात को माना, उनके हर खर्चे को उठाया, बल्कि बंगाल से ही सारा का सारा पैसा जाया करता था कंपनी के खर्चे के लिए। इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया गया और वो अब वहाँ पर बेस बनाकर रहा करते थे। मीर जाफ़र काफ़ी लंबे समय तक सारी बातों को मानता रहा, सारी चीज़ों को पूरा करता रहा, सारी की सारी डिमांड्स को पूरा करता रहा। लेकिन एक समय आया जब मीर जाफ़र चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा था और अंग्रेज़ों को भी ये महसूस हो गया कि मीर जाफ़र चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा है, इसी वजह से मीर जाफ़र की जगह एक नए व्यक्ति को बैठाना ज़रूरी है। तब जाकर मीर जाफ़र के ही दामाद सन इन लॉ, जिनका नाम मीर कासिम था, उन्होंने अंग्रेज़ों को वादा किया कि वो अंग्रेज़ों की हर डिमांड को पूरा करेंगे। और इसी वजह से मीर जाफ़र को पेंशन देते हुए मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। मीर कासिम वैसे तो एक पुतले की तरह ही, एक पपेट की तरह ही अंग्रेज़ों के काम आ रहा था, लेकिन मीर कासिम एक बहुत ही समझदार नवाब था। अगर वो अंग्रेज़ों को खुली छूट देता था बंगाल से ट्रेड करने की, व्यापार करने की, तो वो भारतीय व्यापारियों को भी उतनी ही खुली छूट देता था। वो यहाँ अंग्रेज़ों को पूरी तरह से अपनी मनमानी नहीं करने देता था। इसी वजह से अंग्रेज़ जो है वो मीर कासिम के भी खिलाफ़ हो गए। मीर कासिम ने तय किया कि अंग्रेज़ों को बंगाल से भगाना, निकालना, खदेड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से मीर कासिम ने मुग़ल सल्तनत के राजा, उस समय के मुग़ल सल्तनत के राजा शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ गठबंधन करते हुए ये तय किया कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और यही युद्ध जो है वो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कहलाता है, जो 1764 में लड़ा गया। हालांकि यहाँ आप तीन पावर्स को देख सकते हैं। एक ओर है मीर कासिम जो नवाब हैं अवध, जो नवाब हैं बंगाल के, सुजाउद्दौला नवाब हैं अवध के, और शाह आलम द्वितीय जो मुग़ल सल्तनत के राजा हैं। इन तीनों पावर्स ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों ही पावर्स इस बैटल ऑफ बक्सर में हार गए और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मुग़ल सल्तनत के राजा शाह आलम द्वितीय को 52 लाख रुपीज़ की हर्जाना भरना पड़ा। इसी के साथ साथ अवध के नवाब को 50 लाख का हर्जाना इस युद्ध को लड़ने की वजह से भरना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव जिस समय में ये युद्ध लड़ा जा रहा था उस समय भारत में नहीं थे। रॉबर्ट क्लाइव छुट्टियां मनाने के लिए ब्रिटेन गए हुए थे, लेकिन अगले ही साल जब वो वापस आते हैं तो उन्हें ये जानकर, ये सुनकर बहुत ही निराशा होती है कि हमारे ही पपेट नवाब ने हमारे साथ धोखा किया। तब जाके रॉबर्ट क्लाइव ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं ही नवाब बन जाऊं, क्यों ना मैं ही यहाँ का राजा बन जाऊं। लेकिन अंग्रेज़ों की अगर बात करें, जो लेटर था रॉबर्ट क्लाइव ने
वो ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजा कि यहाँ पे मैं नवाब बनना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने अपना कंट्रोल बंगाल में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक तरीके से ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 52 लाख का हर्जाना देने के साथ साथ शाह आलम सेकेंड ने, शाह आलम द्वितीय ने यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स भी अंग्रेज़ों को सौंप दिए, जिसके तहत वो उस इलाके के रेवेन्यू कलेक्टर्स बन जाते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के हेड बन जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूअल सिस्टम, जिस ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की, उस ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चलते यहाँ नवाब के हाथ में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह गई और अंग्रेज़ों के हाथ में आई पावर्स। इसका मतलब ये है, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होने वाला है कि जो भी फाइनेंसेस हैं, यानी कि टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट है या फिर आर्मी को संभालना है, वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगी और नवाब का काम सिर्फ इतना बच जाएगा कि वो बंगाल की जो जनता है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करे। और हम जानते हैं कि इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए वो काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि उसको पैसे और आर्मी की ज़रूरत जो है वो अंग्रेज़ों से ही पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये था ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज़ व्यापारियों के तौर पर तो आए, लेकिन उन्होंने अपना फैलाव काफ़ी हद तक यहाँ पॉलिटिकली भी करना शुरू कर दिया और बंगाल के नवाब के दरबार में भी बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये था ब्रिटिश एक्सपेंशन। आगे भी इसी पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। लेट्स क्रैक इट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।